अस्सलाम वालेकुम। लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और बाज़ दफ़ा पेपर में सिर्फ इतना सवाल आ जाता है कि जस्ट ड्रा एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। तो डायग्राम दिखने में काफ़ी मुश्किल नज़र आती है और कुछ बच्चों की ड्राइंग भी अच्छी नहीं होती। तो याद रखें, ये कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं, आपने जस्ट इसको ड्रा करना है और इसको लेबल कर देना है, और इसके लिए टाइम भी आपके पास 3 से 4 मिनट का होगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको ड्रा करना सिंपली बताऊंगा। मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए लेक्चर मुकम्मल देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यानी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा सा। ये सबसे पहले ये स्टोलन हाइफी, ये स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, ये नेगेटिव, ये आगे प्लस स्टोलन, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, ये राइजॉइड्स हैं, मॉडिफाइड हाइफी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, स्पोर मेच्योर, स्पोर डिस्पर्स होंगे और उसी तरह का माइसिलियम बनाएंगे। यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स डिस्पर्स हुए, उसी तरह का माइसिलियम बना दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इनके हाइफी पहले मेटिंग करेंगे। यानी यहाँ पे देखें, प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। अब इतने हिस्से को हम बड़ा करके देखते हैं। ये नेगेटिव वाला माइसिलियम, ये पॉजिटिव वाला। अब इनमें गेमिटेंजिया बनेगा, ये अब कह रहे हैं फ्यूज हुए, तो यहाँ पे ये गेमिटेंजिया बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जाइगोस्पोर बनेगा, ये जाइगोस्पोर बन गया। अब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, इससे आप कह रहे हैं एक मुकम्मल माइसिलियम बन जाएगा इसका। ये उसके स्टोलन हाइफी, ये राइजॉइड्स, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनेंगे, डिस्पर्स होंगे। कुछ स्पोर्स ये वाला माइसिलियम बना देंगे, कुछ स्पोर्स ये वाला माइसिलियम बना देंगे। अब इसमें यहाँ से लेकर इधर वाला हिस्सा डिप्लॉइड है और इधर वाला हिस्सा हैप्लॉइड है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस।